काउंटिंग का दिन में ही है क्या हुआ तो उसमें क्या हुआ तो बी में था जो ऑपोजिशन वाले लोग आके क्या किया वो लोग तो डॉक्टर का मेडिकल रिपोर्ट तो होगा व्हाट्सएप करो हमको व्हाट्सएप कर दो अभी व्हाट्सएप कर दो आप लेके आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए अपन इसका पूरा हमको व्हाट्सएप करो देखिए ये जो हॉस्पिटल है इसका अब मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर सकते क्योंकि ये तो मेरे अंदर नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है लेकिन जो आप सिर्फ मुझसे इंटरव्यू मत लीजिए देखिए छत में क्या हो रहा है यहाँ पे क्या है कि हॉस्पिटल तो टूटने के उसमें है एक्सरे मशीन भी पुराना है डिजिटलाइजेशन होना चाहिए अभी मैं डॉक्टर सबसे बात करूँगा और मैं अपनी तरफ से मेरे अंदर जो क्षमता है मैं पर्सनल कैपेसिटी से हेल्प करूँगा लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो स्टेट में है ये बहुत ही ख़राब तरीके से चल रहा है क्योंकि ये एक दिन में नहीं हुआ है ये शायद 1960 से यहाँ में है और ये अस्पताल एक्चुअली हॉस्पिटल बोलने का लायक भी नहीं है इसलिए इज़ नॉट वर्दी तो मैं अपनी तरफ से जो कर सकता हूँ मैं करूँगा बट जब तक हम लोग को चीनी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा हम लोग का खुद का राज्य नहीं होगा तीपरा लैंड ग्रेटर तीपरा नहीं होगा ये चलते रहेंगे हम आज जाके धमकी देगा कल कुछ काम होगा छः महीने बाद वही चीज़ हो जाएगा उसके बाद फिर से हम लोग आंदोलन करेंगे उसके बाद फिर से सब एक साल बाद वापस वही हो जाएगा तो ये सिलसिला चलता रहेगा इसके लिए हम लोग को एक परमानेंट सेटलमेंट चाहिए और अपने राज्य में अपने ज़मीन में हम लोग को अपना एक ग्रेटर की प्लान चाहिए वरना ये चलते रहेंगे ठीक है आप लोग ऐसा करो
और यहाँ में हम लोग का वो विश्वजीत कौन है यहाँ में हम लोग का सीनियर अरे मानिक आप ऐसा करो मानिक आप भी तो ये पापन होगा या फिर दुपिन नौटियाल होगा या अरमान मजूरी होगा इन लोगों को बुला एक्सीडेंट हुआ था इनको कोई बोलते हैं किसी ने मारा था जो भी है खैरिंगबार हॉस्पिटल में इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है मेडिकल हेल्प हम लोग दे रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि ठीक हो जाए लेकिन यहाँ में कोई पॉलिटिक्स नहीं है मैं सिर्फ अपने तिपरासा को हेल्प करने आया हूँ अभी भी थोड़ा हेल्प किया है और आने वाले दिन में भी और थोड़ा हेल्प इस जगह का नाम नवीन मोरा वो सब क्या क्वार्टर क्वार्टर का मालूम यहाँ कहाँ तक है।